भाजपा हाँ के इतना अथी है तो किसी ब, है? किसी बड़े लीडर को आके हमारे तेजी बाबू से अथी करवा ले डेबिट करवा ले गांधी मैदान में गांधी मैदान में किसी जो भी उनका बड़े नेता जो भी होगा वो आके बीजेपी के जो भी बड़े नेता होगा वो आके हमारे तेजी बाबू से बात कर ले बात कर ले जो जो जिस विषय पर बात करना है इंग्लिश में बात करना है हिंदी में बात करना है भोजपुरी में बात करना है जिस विषय पर बात करना है वो आकर भाजपा गांधी मैदान में फरिया ले ठीक है मानते हैं कि नौवा पास है तो जाके विदेश में वही ना इंग्लिश में झाड़ता है वो विदेश में जा के जब इंग्लिश में स्पीच देता है तो किसका थपड़ी बजता है भाजपा को थपड़ी बजता है कि बजता है। एक बात पूरे के हवा चलेगा। चालीसो तो चले, में, में, सीट जीतेंगे बिहार में इंडिया गठबंधन बिहार या देश में जब जब चुनाव होता है तो लालू यादव को चारा चोर भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बता के भाजपा सत्ता तक पहुँचती है दो में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में यादवों के वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए लगातार बीजेपी प्रयासरत है इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया उसके बाद जमकर सियासत है सीधे तौर पे बीजेपी लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है और सीधे तौर पे कह रही है कि लालू यादव परिवारवाद है और जो यादवों का खुद का हिमायती बताते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बेटे नौवीं फेल तेजस्वी यादव को बिहार की बागडोर देने का काम कर रहे हैं और यादवों को अगर कोई बर्बाद या ठगने वाला है तो वो है लालू यादव इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ लालू जी के साले और राजद के वरीय नेता प्रभुनाथ यादव जी हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होगा और यादवों के वोट बैंक पर लगातार सबकी निगाहें हैं और जिस प्रकार से चुनाव आने में कुछ ही महीने शेष बचे हैं और चुनाव आने से पहले लालू यादव पर एक बार फिर से चारा चोर भ्रष्टाचारी और तेजस्वी को नौवीं फेल बताने का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो चुका है प्रभु नाथ यादव जी एक बात बताइए कि बीजेपी ने फिर से बोला है कि लालू यादव चारा चोरी किए जेल गए भ्रष्टाचार किए जेल गए उनके बेटे पे एफ चल रहा है तेजस्वी यादव नौवीं फेल है और आप लोग परिवार बात करते हैं लालू यादव अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, जमीन दिलाएं, पैसा वाला बनाएं ये तमाम बीजेपी का बड़ा आरोप है क्या कहिएगा बीजेपी का कोई भी काम नहीं है बस सिर्फ लालू यादव बीजेपी का अगर कोई काम रहता तो महंगाई पर बेरोजगारी पर इस पर बात करता सिर्फ लालू यादव पर बात करता इसलिए कि लालू यादव पर नहीं बोलेगा तो उसका पेट में अनाज नहीं पचेगा नहीं लालू यादव को चारा चोर बता बताता है जब तक तो लालू यादव को नाम नहीं लेगा तब तो उसको पेट में अनाज नहीं पचेगा उन लोग का यही काम है कितने चोर हैं भाजपा में तो एक से एक चोर है कौन चोर है बहुत चोर है भाजपा तो में तो जैसे अजीत पवार है वहाँ पर महाराष्ट्र में उसको खुद प्रधानमंत्री बोले कि सत्तर हजार करोड़ का चोर है बिहार बोला उसको पार्टी में मिला मिलाकर उप मुख्यमंत्री बना दिए कितने चोर है चोर की कोई कमी है भाजपा में तो एक से एक चोर है कितने चोर है वो कौन है वो लक्ष्मण था वो इसी में जो अध्यक्ष बना था उसके एक, एक एक और आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी के नौकरी आप किसी को देते थे रेवे में जमीन लेते थे उसका एफ आई आर तो ऑप्शन बहाल करता है ए, व, खुद मंत्री लोग बहाल थोड़े करते हैं बहुत में म... बहुत में मंत्री हुए कहा कोई बहाल करते हैं लालू यादव पे बड़ा आरोप 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 तो तो किसी पर लगा दीजिएगा सही हो जाएगा उसके लिए न्यायालय बना रहा है न्यायालय ने फैसला करेगा कि सही है कि गलत है मंत्री कहीं बहाल करता है कि अफसर लोग बहाल करते हैं अब देखिए मोहन यादव को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद लगातार बीजेपी चिल्ला रही है हाई तोबा मचाई हुई है कि यादवों को ठगने का काम किया तो, तो परिवार बात करते तो परिवारवाद बालकनाथ को काई ने बना दिया राजस्थान में वो भी तो जादुवे थे जो महंत हैं बालक नाथ जादव वो भी तो जादुवे हैं उनको बना दिया गया तो उनको बना दिया जाता पूरे देश में भाजपा यादव को बना दे महमदन को बना दे कोई रोक ले है किसी को कोई रोक ले थोड़े बना देगा तो बना वो जीत जीत के आया है बना दिया उसमें कौन इसी है इसमें कौन ऐसी है कि मन जीता हुआ था बना दिया यादव कई बार बोले भी हैं तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि यादव जो है हम लोग के साथ है निपटना है और आना है तो गांधी मैदान आ रहे देख ले तो गांधी अगर भाजपा के इतना ऐसी तो किसी ब, है है? किसी बड़े लीडर को आके हमारे तेजस्वी बाबू से ऐसी करवा ले डेबिट करवा ले कहा गांधी मैदान में गांधी मैदान में किसी जो भी उनका बड़े नेता जो भी होगा वो आके बीजेपी के जो भी बड़े नेता होगा वो आके हमें तेजस्वी बाबू से बात कर ले बात कर ले क्या चीज बात कर ले जो जो जिस विषय पर बात करना है इंग्लिश में बात करना है हिंदी में बात करना है भोजपुरी में बात करना है जिस विषय पर बात करना है वो आकर भाजपा गांधी मैदान में फरिया ले नौमी फेल बताते हैं तेजस्वी यादव को तो सब कोई तो नौमी फेल है कि किसका डिग्री है मोदी जी डिग्री दिखाए ना डिग्री मोदी जी हो चाहे कोई भी हो डिग्री दिखाएंगे ना कि हमारा डिग्री यही है ठीक है मानते हैं कि पास है तो जाके विदेश में वही इंग्लिश में झाड़ता है थपड़ी बजता है कि इन लोगों का थपरी बजता है विदेश में जाके जब इंग्लिश में स्पीच देता है तो जिसका थपरी बजता है भाजपा वालों को थपरी बजता है कि तेजस्वी बाबू को थपरी बजता है एक बात और है बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो यादवों को भी आगे बढ़ाना चाहती है इसी कड़ी में लगातार हम लोग जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए लेकिन राजद वाले जो हैं इतना पढ़ा लिखा सब यादव है पार्टी में लेकिन नौमी फेल अपना बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिया बिहार का बागडोर दे दिया है को, कोई भी नहीं कुछ कहता है जो भी है भाजपा कहता है भाजपा का यही काम है कि आठवां पास नौवां पास दसवाँ आके पहले गांधी मैदान में फर ना आतेशी बाबू से जो भी विषय पर फरजाना है आके फरिया ले चुनाव आया है है चुनाव आया एक बार फिर से आप लोग पे हमलावर है बीजेपी ओह चुनाव आया है तो बीजेपी हमलावर है तो गलत कर रहा बटे हमारा और तो पूरे देश में करो ना हमलावर और कोई रोकले है हमला पूरे देश में करो यादव असली नेता को यादव असली नेता लालू प्रसाद यादव है कृष्ण भगवान है लालू यादव उधर नित्यानंद राय पाल यादवेंद्र यादव, ए, 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 यादव ए, 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 मोहन यादव मुख्यमंत्री बना दिया बताइए न मोहन जादव बन गए तो मोहन यादव तो वहाँ मध्य प्रदेश में बन गए तो राजस्थान में कहा नहीं बना दिए छत्तीसगढ़ में कहा न जाद को बना दिए एक जादव बना दिए तो बहुत बढ़िया काम हुआ जादव बन हमारा जादो बन गया तो और खुशी की बात है आप खुश है ना जादो अगर बनता है तो खुशी की बात है जादो सबको बनावे ना पूरे देश में जादू को बनावे ना 24 में क्या कितने के हवा चलेगा सीधे बता दीजिए। बिहार में तो सीधे बिहार के चले पूरे इसी में देश में इंडिया गठबंधन का हवा चलेगा बिहार में चालीस सीटों पर 400 सीट जीतेंगे बिहार में इंडिया गठबंधन देखिए सीधे तौर पे लालू जी के साले थे और लगातार बीजेपी जो आरोप लगा रही है लालू यादव पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और ये हवाला दिया जा रहा है कि लालू यादव ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया और जब जब बिहार में देश में चुनाव आता है तो बीजेपी लगातार हमलावर हो जाती है और जिस प्रकार से लगातार मोहन यादव के मध्य प्रदेश की ताजपोशी के बाद लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लालू यादव तेजस्वी यादव पर हमलावर है और ख़ुद को अपना हिमायती बताने में तमाम दल जो हैं राजद हो भाजपा हो वो लग गई है लेकिन